in 2016, Mr. Ajay Devgan came into my life. I sat down in front of him. I told him this is the film that I want to make. जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? दोस्तों, डायरेक्टर ओम राउत ने तानाजी द अनसंग वॉरियर के ऊपर काफी बड़ा स्टेटमेंट दिया है, तो चलिए जानते हैं उन्होंने क्या कहा है इस फिल्म के बारे में और क्या द अनसंग वॉरियर की कोई जनर की फिल्म आगे आ सकती है या नहीं, इसकी भी बात करने वाले हैं इस वीडियो में, तो इन तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, तानाजी द अनसंग वॉरियर फिल्म की बात करें तो इस फिल्म को रिलीज हुए 3 साल से भी ज्यादा दिन हो चुके हैं और इस फिल्म की कमाई की बात करें तो इस फिल्म ने सिर्फ इंडिया से 250 करोड़ से भी ज्यादा यानी कि 279 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था और वर्ल्ड वाइड लेवल पर 367 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कमाई किया था, जो कि ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। अजय देवगन एंड ओम राउत की सबसे सक्सेसफुल मूवी में से एक है ये तानाजी द अनसंग वॉरियर। वहीं दोस्तों, डायरेक्टर ओम राउत ने रिसेंटली एक वीडियो क्लिप शेयर किया है, वो किसी इंटरव्यू का ही वीडियो है जिसमें उन्होंने बताया कि 2016 में अजय देवगन मेरे पास आए थे और उन्होंने बताया कि मैं द अनसंग वॉरियर टाइप की फिल्म करना चाहता हूं, तो फिर मैंने जस्ट हां कर दिया क्योंकि मैंने भी इस टाइप की फिल्म बनाना चाहता था और इसमें भी जब अच्छा एक्टर मिल ही गया तो फिर देर किस बात की, और फिर मैं इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट कर दिया और ये मूवी सक्सेसफुल भी रही और मेरी लाइफ की वन ऑफ द बेस्ट मूवी रही है तानाजी द अनसंग वॉरियर। और रहेगा भी क्यों नहीं, क्योंकि जिस तरह से सैफ अली खान, काजोल और अजय देवगन ने इसमें काम किया है वो मुझे लाइफ टाइम तक याद रहेगा। वहीं दोस्तों, ये फिल्म भी बहुत ही खास रही क्योंकि जिस तरह से हिंदी ऑडियंस ने इस फिल्म पे अपना प्यार दिया उसी तरह से मराठी ऑडियंस ने भी इसके ऊपर काफी ज्यादा प्यार दिया, क्योंकि ये फिल्म तानाजी मानूसरे के ऊपर बेस्ड थी जिसके चलते मराठी के साथ साथ हिंदी ऑडियंस ने भी काफी पसंद किया इस फिल्म को। वहीं दोस्तों, ओम राउत जी बताते हैं अजय देवगन और मेरी बॉन्डिंग काफी अच्छी थी जो कि लाइफ टाइम तक याद रहेगा और हो सकता है हम दोनों कभी फ्यूचर में भी एक साथ काम कर सके जो कि काफी अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि ये जो तानाजी मूवी थी ये एक अनसंग वॉरियर टाइप की फिल्म थी। वहीं दोस्तों, अजय देवगन ने बताया है कि हम फिर से अनसंग वॉरियर टाइप का यूनिवर्स बनाने वाले हैं जिसका अपडेट हम बहुत जल्द आप सबको देंगे, अभी इस पे काम चल रही है। वैसे दोस्तों, अगर आपको लगता है कि किसी अनसंग वॉरियर की स्टोरी जिस पे फिल्म बने तो काफी अच्छा लगे तो आप कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना कि किस स्टोरी के ऊपर फिल्म बन सकता है। तब तक हम आपसे बहुत जल्द मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।